तो दोस्तों आज का ये वीडियो कमेंट बेस पे होने वाला है कि एक मेरे पास कमेंट आया था कि डेस्कटॉप सपोर्ट जॉब के बाद डोमेन कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। मैंने इस पे एक दो वीडियोस और बनाए हुए हैं, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इजी डोमेन कौन सा होता है जो आप स्विच कर सकते हो या डोमेन में आप जा सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट में जॉब कर रहे हो और आपको 1 साल 2 साल या 3 साल या 4 साल हो गए हैं मैक्स हो गए और आप उस डोमेन में आप काम नहीं करना चाहते हो डेस्कटॉप सपोर्ट में, तो आपके पास वहाँ पे जो मैं इजी की यहाँ पे बात करूँ, बाकी डोमेन चेंज करने के लिए तो बहुत है। मैं इजी डोमेन की बात करूँ तो देखो, आप जिसमें पहला होता है सबसे इजी, आप चाहो तो शिफ्ट लीड बन सकते हो या साइट लीड बन सकते हो, मतलब शिफ्ट लीड या मैनेजर या साइट लीड आप कह लो, बात दोनों एक ही होती। तो ये सबसे इजी टास्क होता है कि आप शिफ्ट लीड या जिसको बोलते हैं टीम लीड कर दो, फिर आप मैनेजर कर दो, तो बात एक ही होती। तो बेसिकली अगर मैं दोनों मिला के बोलूँ तो आप एक लीड बन सकते हो जो कि बहुत ही इजी प्रोफाइल होती है। एंड अब मैं सेकेंडरी बात करूँ तो आप नेटवर्किंग में बहुत इजीली जा सकते हो डेस्कटॉप सपोर्ट जॉब के बाद। अब होता क्या कि बेसिकली जब आप डेस्कटॉप सपोर्ट में जॉब करते हो ना, तो आपको बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज हो जाता है और थोड़ा सा आपने CCNA वगैरह पढ़ लिया, CCNP वगैरह पढ़ लिया घर पे ही बैठ के यूट्यूब से ही, तो वो आपके लिए एक बेसिक क्लियर हो जाता है और आप नेटवर्किंग में आपको जॉब इजीली मिल जाती है। क्योंकि कंपनीज भी जो HR होता है या जो आपका टेक्निकल मैनेजर जो इंटरव्यू लेता है, वो भी जानता है कि बंदे ने अगर 4 साल डेस्कटॉप सपोर्ट में काम किया तो उसे कुछ नॉलेज होगा। तो आप नेटवर्किंग में जा सकते हो। एंड दूसरा क्या है, सर्वर में जा सकते हो, जैसे विंडोज सर्वर 2012 होता है, तो इसके लिए आप MCSA कर सकते हो, MCSC कर सकते हो, या आप घर पे बैठ के उसे पढ़ सकते हो, इतना आप मान लो। तो ये एक बेसिक होता है। अब जब आप कहीं डेस्कटॉप सपोर्ट में जॉब करते हो ना, तो आपको सर्वर का भी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो ही जाता है, वो डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट प्रोफाइल हो, तो आपको सर्वर का बेसिक नॉलेज हो ही जाता है। तो ये जो तीन प्रोफाइल है ना मेरे दोस्त, ये ईजिली आपको मिल जाती हैं डेस्कटॉप सपोर्ट से डोमेन में चेंज करने के बाद। और नेटवर्किंग में भी सैलरी अच्छी है, सर्वर में भी अच्छी है और लीड में भी अच्छी सैलरी है। बस क्या होता है कि लीड में थोड़ा सा आपको बसल ज़्यादा मिल जाती है, मतलब कि फिर आपको आप एक मैनेजमेंट की प्रोफाइल में चले जाते हो, तो आपको इंफ्रा की सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। अब नेटवर्किंग और सर्वर में क्या है, आपकी साथ आपकी 9 से और शाम को 6 तक अगर शिफ्ट है, तो आप गए वहाँ पे काम किया सर्वर पे या जो भी वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व किया और उसके बाद आप घर चले आए। लेकिन लीड प्रोफाइल में क्या होता है कि आप घर पे भी हो तब भी आपको कॉल्स आ जाते हैं, आपके बॉस का कॉल आ जाता है, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लीड की प्रोफाइल में। हाँ, लेकिन कई कंडीशन में होता है कि लीड की सैलरी भी एक इंजीनियर से ज़्यादा होती है एक MNC कंपनी में, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वहाँ के मैनेजर को। तो ये जो तीन प्रोफाइल हैं मेरे दोस्त, ये थोड़ा इजी प्रोफाइल हैं। आप डेस्कटॉप सपोर्ट पे अगर जॉब कर रहे हो या टेक्निकल सपोर्ट पे जॉब कर रहे हो, तो इन प्रोफाइल्स पे आप आराम से और इजीली मूव हो सकते हो। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।